तो दोस्तों राम राम जी। और कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज आपको बहुत सिंपल तरीके से, और एक दुल्हन है दुल्हन का मेकअप करके दिखा रहे हैं। वो दुल्हन नहीं जो स्टेज पे जाएगी, वो दुल्हन जो दुल्हन बन के आई है और उसका रिसेप्शन है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक छोटा सा, और खुशी इस बात की हो रही दोस्तों कि दुल्हन महाराष्ट्रियन है, मतलब मराठी जान रही है, मुझे ही मराठी आता है, तो लग रहा है कि कोई अपना अपना है। तो बने रहिए दोस्तों और दिखाते हैं आपको फुल लुक, और बने रहिए, चाय साय पी लीजिए मेरे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्लीन अप कर रही हूँ मैं, और क्लीन अप करके उसके बाद जो भी मेकअप का है वो सब अप्लाई करूँगी। तो क्लीन अप करके उसके बाद जो है चेहरे पे प्राइमर, उसके पहले प्राइमर से पहले आप जो जिसके चेहरे पे जैसा हो, किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, उसके हिसाब से आप जो है मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अब लगाने जा रही हूँ बेस। खुल जाए पहले, उसके बाद दोस्तों ये है बेस, और देखिए दो मिनट थोड़ी सी रेडी हुई है और चेहरे पे अब बेस लगाने जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने जो है वो क्या कहते हैं क्रायलोन का बेस लगाया है, क्योंकि इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तिल वगैरह थे। और दोस्तों बता दूँ कि जो ये मेकअप का मेरा जो है बस मेरे बच्चे लोग के लिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, कि आपको पता ही है जो भी इसमें पैसा मिलता है तो अपने बच्चे लोग के लिए कॉपी पेंसिल रबर सब कुछ खरीद के रख लेती हूँ। तो चूंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था दोस्तों, लेकिन फिर मुझे मेरी फ्रेंड बोली कि थोड़ा सा चलिए आप कर दीजिए, तो हम के लाइए दर्द की तो दवा खा ली थी मैं, और मैं सोची लाओ कर लूँगी तो जो ही पैसा मिलेगा वो मैं अपने बच्चों पर लगा दूँगी। तो बस यही रीज़न था दोस्तों यहाँ पर आने का, और दुल्हन बहुत खुश है और मज़ा आ रहा था करने में। तो देखिए अब इसके बाद मैं आँख पे आ रही हूँ सीधे, क्योंकि आँख का मेकअप बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और जब आँख का मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों आईलेसेस वगैरह सब कुछ लगा के। तो बस थोड़ी सी डाल दी हूँ मैं, ताकि अभी मेरे पास कोई सूट करने वाला ऐसा था भी नहीं, इसलिए देखिए मेरा भी चेहरा नहीं आ रहा है अच्छे से, कुछ आ भी नहीं रहा है, लेकिन हम कहला थोड़ी सी दिखा दे कि हम बच्चे लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो डालने का बस यही मकसद था कि बच्चे लोग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ सही में मैं बच्चे लोग के लिए क्या कर रही हूँ।
में तैयार की थी। ये उनकी मम्मी जी हैं, आपको देख और, लें चैनल। और ये भी बहुत मस्त एंड फिट लग रही है। हम तो मेकअप करने में इतनी बिजी हो गए, ध्यान नहीं दिया। अब आई हैं तो झटके से बहुत उजाला उजाला लग रही हैं। क्या नाम है आपका? रीता तिवारी। रीता तिवारी जी हैं और मैं दीप्ति पांडे जी हूँ। पहले मैं चौबे थी, चौबे जी की लड़की। मैं तिवारी की लड़की थी और पांडे हो गई हूँ। मेरे पिताजी मारुपुर में पढ़ाते थे। हाँ, शुक्ला जी ना? नहीं, चौबे जी। चौबे जी, अच्छा, रामाश्रय चौबे। ओहो, दुल्हन मराठी बोल रही है, हमको ही मराठी आता है तो। और ये देखिए प्यारी सी, जो बच्चे को मैं अभी दिखाई थी, नहीं दिखाई थी, हेलो, प्यारी सी बस समझ लीजिए आप लोग। तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी वीडियो मैं दिखा दूंगी, जब स्टेज पे दुल्हन जाएंगी तो थोड़ी सी वीडियो दिखा दूंगी मैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बाद में नहीं बोल पाई हूँ कि नहीं बोल पाई हूँ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जहाँ रहिए हमेशा सब हंसते रहिए। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे स्टेज लगा है और दुल्हन भी रेडी, स्टेज भी रेडी है, मस्त जबरदस्त, सब आशीर्वाद देने के लिए भी रेडी। और ये दूल्हे राजा। और दोस्तों यही रही मेरे बच्चे लोग के लिए कोशिश, जो कि तबीयत ख़राब में भी मैं जो हूँ यहाँ पे आई कुछ मतलब मेरे बच्चे लोग के लिए। और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। बाय बाय।